नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी 10% से ज़्यादा प्रश्नों में पांचवा विकल्प नहीं भरने पर अभ्यर्थी होगा अयोग्य। क्या ये प्रक्रिया रहेगी और इसके अंदर हम आपको बताएंगे पूरा संपूर्ण जानकारी। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस के लिए बेस्ट बुक चक्सु पब्लिकेशन से आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अंदर आपको 15 मॉडल पेपर मिल जाएंगे और पीछे का आए प्रश्न मिल जाएंगे, इस टाइप के मिलेंगे, देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मॉडल पेपर या प्रश्नोत्तर पहले का है वो मिलेंगे, उसके बाद आप आंसर की देख पाएंगे। आंसर की में आपको कोई डाउट रह जाए तो आप व्याख्या सहित आंसर की भी देख सकते हैं, इस टाइप से आपको व्याख्या भी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं वापस इसके ऊपर, देखिएगा आरपीएससी 10% से ज़्यादा विकल्प प्रश्नों में पाँचवा विकल्प नहीं भरने पर अभ्यर्थी होंगे अयोग्य। तो इसके अंदर देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में ओमआर सीट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किया जाए, इसलिए पांचवा विकल्प लिया जा रहा है। आयोग सचिव की ओर से शुक्रवार को पांचवा विकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका विवरण जारी कर दिया गया है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग में अधिकांश भर्ती परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है, उत्तर पुस्तिका की एक प्रति परीक्षा केंद्र में ही अभ्यर्थी को सौंप दी जाती है, जिससे ये स्वयं अभ्यर्थी व वीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी स्तर पर मूल उत्तर पुस्तिका से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सके। कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में नकल मापियों द्वारा ये प्रयास किया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं को येन क्रेन प्रकरण खाली छोड़ दिया जाए, ताकि बाद में उसमें गड़बड़ी किया जाना संभव हो सके। इस समस्या पर गहन विचार के बाद आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्न के पाँचवें विकल्प रखे जाएंगे। पाँचवा विकल्प अनुत्तरित प्रश्न का होगा। अभ्यर्थी को प्रश्न उत्तर ज्ञात नहीं होने पर ये पांचवा विकल्प को आवश्यक रूप से भरा जाना अनिवार्य होगा, ताकि उसमें मूल उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की छेड़छाड़ कोई गुंजाइश नहीं हो रही है। नकल माफिया अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके, इस कारण ये प्रावधान भी किया जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा इस पाँचवा विकल्प को भरने पर प्रत्येक प्रश्न अंक का 1/3 अंक काटा जाएगा। ऐसे में 10% अधिक प्रश्नों में कोई भी विकल्प यदि नहीं भरा गया हो तो अभ्यर्थी को उससे भर्ती परीक्षा में अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान देश के कुछ अन्य लोक सेवा आयोग में पूर्व से ही किए गए हैं। आयोग द्वारा ये निर्णय अभ्यर्थी के हित के रक्षार्थ के लिए ही किया गया है। पाँचों विकल्प भरने और समय के अभाव में कोई विकल्प छूट न जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के निर्धारित समय में अतिरिक्त 10 मिनट का समय दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आप सभी को बता दें कि आपको समय जो 2 घंटे का मिलता है उसके जगह 2 घंटे 10 मिनट का समय मिलेगा, क्योंकि आपका जो भी प्रश्न आपने छोड़ दिया है जो आपको नहीं करना है, तो उसमें सबसे पहले तो पहले वाले ऑप्शन जो 4 ऑप्शन थे उसके अंदर आप वहाँ पे ऑप्शन खाली छोड़ दिया करते थे, कोई आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिसमें आपको जो प्रश्न आपने खाली छोड़ दिए, जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे, उनके आपको गोले 5 ऑप्शन विकल्प वाले करने होंगे। तो इसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा, ये भी बेनिफिट है। और ये आपकी न्यूज़ कैसी लगी आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, चक्सु पब्लिकेशन की बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और इसके नंबर भी दे रहा हूँ, साथ में कोई भी दिक्कत आए तो कॉल भी कर सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको कैसी लगी और जानकारी अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।